अच्छा होबे होबे खेला होबे करने की बात कर रही है दीदी, खेले किससे किससे खेले? 2 मई को रिजल्ट आएगी उस दिन खेला हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सर, आपका नाम? करीम खान। अच्छा कहाँ से हैं आप? बड़ा बाजार से। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, सुनार बांग्ला जय बांग्ला? सुनार बांग्ला। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट देते हुए? विकास विकास। अच्छा विकास। और टीएमसी का इस बार यहाँ पर ना आने का कारण? टीएमसी या गुंडामी है, गुंडामी चल रहा है। जो हरे झंडे के सिग्नल से ममता बनर्जी 34 साल से भी बड़ा लूट की है, इससे बंगाल उभरेगा, सोनार बंगला की तरफ जाएगा और पश्चिम बंगाल जैसे तरक्की करेगा उसके साथ ही भारत विश्व गुरु बनेगा। दादा नाम क्या आपका? जावेद इकबाल। अच्छा कहाँ से हैं आप? मैं जोड़ासाकुर से आया हूँ। अच्छा सोनार बंगला जय बंगला? सुनार बांग्ला। सुनार बांग्ला। अच्छा तो लेकिन दीदी कहती है कि बीजेपी सरकार हिंदू मुसलमान कराती है, मुसलमानों को खतरा है। वो बिल्कुल झूठ बोल रही है। हाँ। कोई मतभेद नहीं है। हाँ। बिल्कुल आपस में जो टकराव दीदी बोल रही है वो गलत बोल रही है। सब चीज बीजेपी जो बोलती है सबके लिए एक समान बोलती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारा एक लोग है। हाँ। और जो कहते हैं सब कुछ देख लिए, छोटा सी सिंपल सी बात है, अगर नोटबंदी भी करा तो सबके लिए भी है, अगर GST भी है सबके लिए है, और जितने भी योजना आ रही है वो सबके लिए। योजना है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है यहाँ पर TMC लागू नहीं होने देती है, चाहे हम आयुष्मान योजना की बात करें। यही तो सोच है उनके अंदर। हाँ। कि अगर आपने लागू कर देंगे। हाँ। तो हमारा मोदी अंदर सोच हमारा अंदर आ जाएगा। अच्छा, अच्छा। इसलिए वो लागू नहीं होने दिया जा रहा है। अच्छा ये मोदी सरकार द्वारा CA NRC भी लाया गया था, मतलब लाने की बात हो रही है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? वो गलत है। हमारे प्रधानमंत्री जी जो सोचे हैं जो कर रहे हैं बिल्कुल सही सोच के कर रहे हैं। हमारे जो इधर उधर जो भटके हुए हैं उनके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे यहाँ बहुत पुर्जियों से बसे हुए हैं उनके लिए नहीं है। अच्छा होबे होबे खेला होबे करने की बात कर रही है दीदी, खेले किससे किससे खेले? 2 मई को रिजल्ट आएगी उस दिन खेला हो जाएगा। चलिए धन्यवाद सर, आपका नाम? करीम खान। अच्छा कहाँ से हैं आप? बड़ा बाजार से। अच्छा अच्छा, तो क्या कहना चाहेंगे, सुनार बांग्ला जय बांग्ला? सुनार बांग्ला। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार वोट देते हुए? वोट देते हुए विकास विकास। अच्छा विकास। और टीएमसी का इस बार यहाँ पर ना आने का कारण? टीएमसी या गुंडामी है, गुंडामी चल रहा है। अच्छा टीएमसी ऐसे बोलती है कि तुष्टिकरण की राजनीति करती है, मतलब जो बीजेपी है वो हिंदू मुसलमान कराती है और मुसलमानों को खतरा है, क्या बात है? सब झूठ बात बोलती है टीएमसी, ऐसा बोलती है ममता बनर्जी, बोल रही है हिंदू मुस्लिम लड़वा रही है वो। अच्छा हाँ, तो यहाँ पर मतलब सब सारे लोग जो हैं एक हैं, सब एक है, सब एक है। अच्छा टीएमसी ने कहीं ना कहीं इतने साल राजनीति करी है अपनी, रोटी सेकी है यहाँ पर। टीएमसी दंगा फसाद करवा रही है बंगाल में। अच्छा तो इस बार जो बीजेपी है क्या बहुमत से आएगी यहाँ पर? पूरा 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 बहुमत। धन्यवाद। हाँ जी दादा, आपका नाम? सॉरी आपका नाम दादा? सिद्धार्थ सिंह। कहाँ से हैं आप? जोड़ासाकू पश्चिम मंडल। अच्छा अच्छा, सुनार बांग्ला जय बांग्ला? सुनार बांग्ला। मुद्दे क्या कह रहेंगे बीजेपी को वोट देते हुए? विकास का मुद्दा रहेगा, विकास के अलावा सुरक्षा का, महिला सशक्तिकरण का, सुशासन का, सबसे बड़ा मुद्दा सुशासन का रहेगा। बिकॉज आज के डेट में पश्चिम बंगाल के अंदर में जो तानाशाही सिंडिकेट राज चल रहा है ममता बनर्जी का, उसको निस्तिनाबूद करना है। बीजेपी जिंदाबाद। धन्यवाद धन्यवाद दादा, आ जाओ। नहीं है तो ये। अच्छा अच्छा दादा, ना आपका नाम? वीरेंद्र अग्रवाल। अच्छा कहाँ से हैं आप? बड़ा बाजार जोड़ासा। अच्छा अच्छा, होबे होबे खेला होबे बोल रही है ममता बनर्जी, किसके साथ खेलने की बात कर रही हैं? ये बीजेपी के साथ में खेलेंगे यार, किंतु टीएमसी हारेगी, बीजेपी जीतेगी। अच्छा पूर्ण बहुमत से आएगी बीजेपी? बिल्कुल। अच्छा इस बार टीएमसी को वोट ना देने के कारण क्या? टीएमसी ने जो मतलब एक विशेष वर्ग और अपने केवल पार्टी के गुंडों को तुष्टिकरण की वजह से मतलब सबको ये। अच्छा, टीएमसी के जो कार्यकर्ता हैं और नेता लोग हैं वो छोड़कर शुभेंदु अधिकारी की चाहे हम बात कर लें, वो बीजेपी पर आ रहे हैं सभी? वो खाली एक ये PC और भतीजावाद की वजह से सारे के सारे नेता जो उनके पुराने संगी साथी थे वो अब TMC छोड़ करके BJP के साथ में आ रहे हैं। अच्छा नंदीग्राम में इस बार ममता बनर्जी लड़ रही है शुभेंदु अधिकारी के सामने, उस पर आप क्या कहेंगे? शुभेंदु दा जीतेंगे और 50,000 वोट प्लस से जीतेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है दादा आपका? मुकेश गुप्ता। कहाँ से आए हैं? जोड़ासाकू पश्चिम मंडल महामंत्री। अच्छा अच्छा, तो क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार बीजेपी को वोट देते हुए? एक ही मुद्दा है, विकास 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 विकास। तो TMC में क्या विकास नहीं हुआ? विकास किया है ना, नीला और सादा करके रखा है लोग, चारों तरफ नीला और सादा करके रखा है लोग। भाईपो बोलता है कि इतना कटमनी दो तो हम काम करने देंगे। एक बार हथौड़ी मारिएगा बिल्डिंग में तो सारे लोग सब आ जाते हैं, पहुंच जाते हैं
कट मनी लेने के लिए 22,000 दो, 10,000 दो, 2,000 दो, एक एक दुकान से पैसा उठाते हैं लोग, चाहे डाला लगाएं चाहे कुछ भी लगाएं, सबके लिए पैसा मांगते हैं लोग, क्या कोई इसको वोट देगा? अच्छा होबे होबे खेला होबे खेला किसके हाथ होबे? अरे वो तो निजे जानते ना की कौन बे हो रहा है, जगह नहीं मिल रहा है, ओल माटे हमें खेला कोर्ची, हमें खेला कोर्बो, हमें खेला कोर्ची, दादा हिंदी हिंदी, हाँ हमें, हम लोग उन्हीं के मार्ट में खेला कर रहे हैं, आज देखिए खेला तो हो ही रहा है चारों तरफ, हम लोग चले मौके नहीं मिल रहा है, यहाँ तो सब बीजेपी बीजेपी छा गया है, हम लोग कहाँ खेलेगा, खेलने का जगह नहीं है, तो फिर हम लोग खेलेंगे, बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, 2 मई को, 2 मई, 2 मई को आएगी क्या बीजेपी? जरूर आएगा, जरूर, बहुमत के साथ जरूर आएगा, बहुमत के साथ आएगा, हम लोग यहाँ सरकार रचाएंगे और एक इतिहास रचाएंगे, हम लोग 200 से ज्यादा सीटें हम लोगों को मिलेगा और नरेंद्र मोदी का जय जयकार होगा। सोनार बांग्ला और जय बांग्ला लड़ाई है इस बार, किसको वोट दे, बीजेपी को देंगे? सोनार बांग्ला ही होगा, क्योंकि ममता बनर्जी 2011 का चुनाव प्रचार में ये बोली थी कि पश्चिम बंगाल को हम लोग सोनार बांग्ला बनाएंगे, मगर कोलार बांग्ला बना दी, ये कोयला चोर का बांग्ला बना दी, गोरू चोर का बांग्ला बना दी, लोहा चोर का बांग्ला बना दी, और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस बार पश्चिम बंगाल की जनता, आप मीडिया लोग मीडिया से आप देख रहे हैं कि इस प्रकार लोग का जनावेश इस ब्रिगेड में आ रहा है, पश्चिम बंगाल का एक एक बूथ से लोग आ रहा है, ममता बनर्जी और उसके भतीजे का सरकार को पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। ऐसा भी बोला जा रहा है कि जो ममता बनर्जी है यहाँ पर उनका गुंडा राज चलता है, ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? गुंडा राज छोड़ के पश्चिम बंगाल में कुछ भी नहीं चलता है, यहाँ पर अगर आप एक बिल्डिंग बनाएंगे तो उस बिल्डिंग में भी गुंडे लोग ही है जो बालू और TMT सप्लाई करेंगे, यहाँ गुंडा राज छोड़ के कुछ नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का एक एक वोटर जनता ये बात जानता है। अच्छा होबे होबे खेला होबे कह रही है, नारा लगाया जा रहा है TMC की ओर से, किसके साथ खेल करना चाहती है और किस आओगा होगा किसके साथ आकर के? इस बार खेला होगा, 2 मई को जब दीदी चुनाव हारेगी तो भगवा अबीर बीजेपी के कार्यकर्ता खेलेंगे, ये चीज को पहले से स्वीकार करके ममता बनर्जी बोल रही है खेला होगा। अच्छा जब भी रूरल एरिया में, जब भी गांव वाले एरिया में कोई वोट देने जाता था, वहां पर हम वीडियोस में भी देखते थे कि वहां पर TMC के जो लोग खड़े हुए रहते थे वो जबरदस्ती वोट दिलवाते थे, क्या कहेंगे? इस बार इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, अमित शाह जी गृह मंत्री है और अमित शाह जी गृह मंत्री में ये पहला ही पश्चिम बंगाल का चुनाव हो रहा है, TMC के गुंडे या लाइन में आ जाएंगे या पश्चिम बंगाल छोड़ देंगे। क्या क्या मुद्दे रहेंगे इस बार भाजपा सत्ता पर आएगी, क्या क्या मुद्दे रहेंगे? सीएम कैंडिडेट अभी अनाउंस नहीं हुआ, सीएम कैंडिडेट एक तो किसको देखते हैं और मुद्दे क्या कह रहे हैं? यहाँ के सीएम कैंडिडेट के विषय में कोई भी कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि हमारा एक शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी जी है, उनके नेतृत्व में चुनाव होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर जितने प्रदेश है इसमें सिर्फ एक ही मुद्दा विकास रहता है, पश्चिम बंगाल को 34 साल लाल झंडा ने पहले खाया और अभी 11 साल नकेब जो हरे झंडे के सिग्नल से ममता बनर्जी 34 साल से भी बड़ा लूट की है, इससे बंगाल उभरेगा, सोनार बंगला की तरफ जाएगा और पश्चिम बंगाल जैसे तरक्की करेगा उसके साथ ही भारत विश्व गुरु बनेगा। अच्छा वाम सरकार जब थी तो ममता बनर्जी ने वादा किया था कि यहाँ से जो भारी लोग हैं जो घुसपैठिए उनको भगा डालेंगे, उनको निकाल के फेंक डालेंगे, ऐसा कुछ हुआ? जब यहाँ वामपंथी की सरकार थी तो ममता बनर्जी सदन में स्पीकर के सामने कागज फेंकी थी कि घुसपैठिए आ रहे हैं, लेकिन यही ममता बनर्जी का दोहरा चरित्र, आज घुसपैठिए का मदद करके उनको घर दे रही है, बांग्लादेश से यहाँ आने वालों को 2500 रुपया में वोटर कार्ड दिया जाता है, आधार कार्ड दिया जाता है और मुसलमान समुदाय को वो 30% का राजनीति कर रही है, ये 70% वाले समझ गए हैं, इस बार जय श्री राम का नारा से उनको उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर।